सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनुज, जो कि हमारे साथ एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम करते हैं, और हमने पिछले महीने ही वैकेंसी के लिए एक पोस्ट डाली थी 16 जुलाई को, और अनुज भाई ने ज्वाइन किया है 18 जुलाई को, क्योंकि हमें बहुत ही अर्जेंट बेस पे बंदा चाहिए था सेफ्टी का, क्योंकि जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो बोले कि भाई विदाउट सेफ्टी ऑफिसर आप काम नहीं करवा सकते, तो इसीलिए हमें ज़रूरत थी। और आने वाले प्रोजेक्ट में भी हो सकता है हमें ज़रूरत हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी अगर आएगी रिक्वायरमेंट तो मैं पोस्ट डालूंगा, और ज़रूरत होगी तो फिर हायर भी हमारी कंपनी इंशाल्लाह करेगी। तो अनुज भाई से जानते हैं कि अनुज भाई का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि ये इनकी पहली जॉब है। अनुज भाई पहली जॉब है? हाँ, पहली जॉब है। अच्छा, आपने कौन सा कोर्स किया है सेफ्टी में? DFISM। इसका फुल फॉर्म भी बताइए। डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट। तो अनुज आपने कहाँ से किया ये? ये मैं ग्रोथ एकेडमी सिवान प्राइवेट लिमिटेड से किया है। अच्छा, सिवान से आपने सेफ्टी ये सेफ्टी का कोर्स किया है। तो अभी यहाँ पे आपको सेफ्टी में क्या क्या देखना पड़ता है, क्या मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्करों को देख रेख का, और परमिट इशू कराना, क्लोज कराना, और टीवीटी देना, और काम के रिलेटेड, जैसे यहाँ पे बहुत सारा काम चलता है ना, हार्ट चलता है, हाइट चलता है, जनरल चलता है, क्रिटिकल चलता है, कन्फाइन का काम चलता है, तो उसमें आपको क्या करना रहता है, देखना रहता है कि बंदे सेफली काम कर रहे हैं या नहीं? सेफली बंदे को सेफली काम कराना, देख के कराना होता है कि हाँ बंदे कैसे काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हॉट वर्क इसमें काम होता है क्या, हॉट वर्क होता है, हाइट वर्क होता है, तो अच्छा लिफ्टिंग होता है। एज ए फ्रेशर अभी आपको कितना मिल रहा है, कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना अपनी सैलरी नहीं बताना चाहते हैं, ये उधर से रास्ता बंद है, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी सैलरी के बारे में, कितना मिल जाता है, कितना बचा लेते हैं आप? वही मिनिमम आपसे तो पिछले वीडियो में बताया था कि 20 बच जाता है। तो एज ए फ्रेशर आप खुश हो इस जॉब से? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मेरे को करते हुए करीब 1 ईयर हो गया इस काम को। तो भाई लोग यही है, क्योंकि देखिए सब किस्मत से होता है, बहुत से फ्रेशर हैं भाई उनको नौकरी नहीं मिलती है, बहुत से एक्सपीरियंस वाले हैं छोड़ के बैठे उनको भी नौकरी नहीं मिल पाती है दोबारा, लेकिन अनुज भाई की किस्मत कह लें, अनुज भाई को जॉब मिल गई और ये बहुत ही दिल लगा के काम कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो भाई लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो यार, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैकेंसी आती है हम उसको डालते हैं, और जो बंदा जेन्युइन होता है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको हायर करते हैं। तो मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में।